बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एडी कुकिंग यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एडी कुकिंग में बनाने जा रहे हैं मोस्ट फेवरेट, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा शिमला। हम शिमला बनाएंगे, बीफ कीमे से बहुत ही मज़े की शिमला बनती है। बीफ कीमा मैंने लिया है 250 ग्राम, इसको मैंने बस स्ट्रेनर में डाल के धो लिया था। थोड़ा सा शिमला मिर्च ली है मैंने, 250 ग्राम ही मैंने शिमला मिर्च ली है। इनको मैंने काट लिया। शिमला मिर्च को मैंने देखे इस तरह से काटा है, इस तरह से देखे, क्योंकि ये अंदर जाके बिल्कुल इसमें घुल मिल सी जाती है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद, इनको मैंने काट लिया है। लहसुन मैंने साबुत ले लिया है, क्योंकि इसको हमने कीमे में डाल, जब हम इसको कीमे में डालेंगे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ही मैश हो जाएगा। ये हरी मिर्ची मैंने गार्निश के लिए ली हैं, हरी मिर्चें 2 अदद, इनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। अदरक की पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये प्याज मैंने ली है कीमे में डालने के लिए, मोटा मोटा काट लिया है इनको। और ये बारीक वाले प्याज हैं, ये जब हम शिमला मिर्च डालेंगे तो उसके साथ हम इनको ऐड करेंगे। स्पाइसेस इनमें इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ना इसमें गरम मसाला जाता है, ना ब्लैक पेपर जाती है, ना कोई और स्पाइसेस जाती है, ना खड़ा मसाला जाता है। इसमें सिर्फ नमक 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट दे सकते हैं। ज़ीरा 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और हल्दी है 1/2 टीस्पून। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारी चीज़ें कम या बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीमे को विसल लगाएंगे, प्रेशर लेंगे, उसमें हम डालेंगे कीमा। लहसुन, टमाटर, ये जो प्याज मैंने आपको बताई थी मोटी हुई कटी, ये डाल देंगे। और साथ में हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे सारे। और इसमें हम पानी डालेंगे 2 ग्लास, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से हमारा इसमें बन जाए, गल जाए अच्छी तरह से। 2 ग्लास हमने पानी लगा दिया, तो इसको हमने विसल लगा दी है। अब हमने इसको बंद कर दिया है, 10 मिनट तक हम इसको विसल लगाएंगे। देखिए हमने इसमें प्याज डाल दिए थे, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और इसमें साथ ही हम इसको डाल देंगे, और इसके साथ ही जो हमने हरी मिर्ची काट के रखी थी भी डाल देंगे। और अब हम इसको दोबारा से दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से हमारा शिमला बन चुका है, इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये था हमारा शिमला कीमा, और साथ में हमने इसके प्याज और खीरे को काट लिया है, और साथ में हमने गरम गरम सी चपाती रखी है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो इसके ऊपर हम गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए। चले जी, बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलती है अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।